आज है फ्रेंडशिप डे। जी हाँ, आज फ्रेंडशिप डे के दिन जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, वो सभी का दिन है देखिए आज। और सभी जो हैं आज एक दूसरे को विश करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं। आपको बता दूं, आज फ्रेंडशिप डे वाले दिन फामान खान को भी अपने दोस्तों की याद आ गई है। जी हाँ, आज फ्रेंडशिप डे वाले दिन भी फामान ने अपने दोस्तों को याद कर लिया है, फामान ने अपनी दोस्त को याद कर लिया है। आखिर क्या कुछ कह रहे हैं फामान खान फ्रेंडशिप डे वाले दिन, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट। हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फामान खान ने फ्रेंडशिप डे वाले दिन एक स्पेशल मैसेज भेजा है अपने सभी फैंस को, अपनी सभी ऑडियंस को, सभी फ्रेंड्स को। आखिर क्या कह रहे हैं फामान खान, चलिए बताते हैं आपको। उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, अ वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल यू लवली अमेजिंग पीपल आउट देयर। Friendship doesn't need a special day to be celebrated, but we shall take whatever occasion given to us to cherish it. Basically, फमान कह रहे हैं कि कोई, देखिए वैसे तो खास दिन नहीं होता है, कोई एक दिन नहीं होता है फ्रेंडशिप का, क्योंकि हर दिन ही फ्रेंडशिप डे होता है और हर दिन को ही हमें फ्रेंडशिप डे की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, कोई ऐसा स्पेशल डे नहीं मनाना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर भी हमें कुछ ओकेजन्स को चेरिश करने के लिए, उन ओकेजन्स को हमें ले लेना चाहिए, उनको चेरिश करना चाहिए। और फ्रेंडशिप डे भी वैसा ही ओकेजन है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को चेरिश करते हो, अपनी फ्रेंडशिप को चेरिश करते हो, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप सभी को ही चेरिश करते हो बेसिकली। तो फ्रेंडशिप डे वाले दिन फमान खान बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। आपको बता दूं, अभी अभी अपने वेकेशन से आए हैं, धर्मपत्नी की पूरी कास्ट के साथ फमान खान वेकेशन पर गए थे और अब फमान वापस लौट चुके हैं अपनी वेकेशन से। अब घर पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने धर्मपत्नी के शूट में बिजी हैं। फिलहाल देखिए खबर तो ये भी आ रही है उनके शो को लेकर कि उनका शो अब ऑफर होने जा रहा है जल्द ही। जी हाँ, अब अगस्त तक की एक्सटेंशन मिला था शो को और अब लो टीआरपी को देखते हुए सितंबर से शो कंटिन्यू नहीं होगा, तो देखिए ऑफर होने वाला है फमान खान का शो धर्मपत्नी। बहरहाल आप इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।